आज हमारा क्वेश्चन है फैन द प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट है 234 × 20 है, तो हमें चाहे हम तो हम इसको कर सकते हैं 234 × 20। पहले हम जीरो से दें, फिर जीरो का थ्री से दें, फिर जीरो का टू से दें, और इसके नीचे क्रॉस। 2 4 जा 8, 2 6 जा 2, 3 जा 6 और 2 2 जा 4, और फिर इसको क्या कर दें, प्लस कर दें, सॉरी इसको पढ़ा 0 8 6 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन इतना लंबा हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको शॉर्ट वे में करते हैं। तो हम शॉर्ट वे में करते हैं तो हमें सिर्फ 2 का इंटू करना है। 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2 3 जा 6 और फिर 2 का 2 4 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है। और ये 0 सीधे सीधे यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। हमें इसको इतना लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 लास्ट में हम सीधे उतार देंगे, 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ देखेंगे 6 7 जो कितना होता, 42 होता। कैरी हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। 6 6 जा 36 और 4 40 हो जाएगा, 40 का 0, कैरी अगेन 4। 6 5 जो कितना होता, 6 5 जा 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। और ये 0 है, ये 0 सीधे यहाँ लिख देंगे तो हमारा आंसर करेक्टली आ गया। आप इसको पूरा पूरा इंटू भी करेंगे तभी भी यही आंसर आएगा, और डायरेक्ट ऐसे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। ऐसे हम यहाँ से करेंगे 8 का करेंगे, 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा 72, कैरी 7। 8 1 जा 8 और 7 कितना, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, 15 का 5, कैरी 1। 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा 48, वो एक कैरी थी 49, सॉरी। और ये 0 लास्ट में लगा देंगे हम, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इजी वे में है, हम सीधे डायरेक्ट इसको इंटू कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले 8 का से किया, फिर 8 का 1 से किया, फिर 8 का 6 से किया, और हमारा आंसर यही आ गया। आप पूरा पूरा इंटू करेंगे तो ये यही आंसर आएगा। ओके।